हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों? चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम बच्चों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 मैथ्स कंपोजिट मैथमेटिक्स का। बच्चों चैप्टर नंबर है आपका 3, डेसिमल से बच्चों चैप्टर का नेम। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो गया बच्चों विद फिर आपका है 3.46, फिर आपका है 4.17। आप यहां भी जीरो ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। आपने ये हम अपने इजी करने के लिए कर रहे हैं बच्चों, वरना तो आपके ऊपर डिपेंड करना है आप लोग करना कैसे चाहते हैं। चाहे तो आप यहां से नंबर स्टार्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9 और 2 बच्चों 11 का 1 कैरी कितना हो गया 177, 14, 14, 6, 20, 20 और 1 बच्चों 21 का 2, 1 कैरी कितना हो जाएगा बच्चों 2, 8 और 4 12 और 1 13 और 2 15 का 5 कैरी कितना बच्चों 1, 4, 4, 8 और 3, 11 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा 12.511। आंसर चेक कर सकते हैं सब बच्चे। आइए थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट सेम आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट और मैं आपको सबसे जो डिजिट सबसे ज़्यादा है वो मैं करके दिखा दूँ, क्योंकि सेम है। ऐड करना आप लोग नर्सरी क्लास से कर से आ रहे हैं, और ये वीडियोज बच्चों, ये चाहे थर्ड क्लास का कोई बच्चा देख रहा हो, सेकेंड का देख रहा हो, फोर्थ का देख रहा हो, फिफ्थ का देख रहा हो, सिक्स का देख रहा हो, सभी क्लासेज के लिए है बच्चों। आइए आइए फोर्थ पार्ट पे आइए बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट और देखते हैं बच्चों क्या की हुई। सबसे पहले नंबर आपका, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए जरा 0.0804, 0.00924, 0.1 है बच्चों, 0.1072 और 0.02065। यहाँ हम लोग जीरो लगा देंगे। ये आप लोगों को हमेशा एक चिंता रखनी बच्चों, जब भी हम प्लस या सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आनी, मींस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, या थ्री के थ्री पार्ट में आप चेक कर सकते हैं। आइए 5 और 4, देखिए यहाँ जीरो हम बढ़ा देंगे एक बच्चों। 5 और 4 कितना होता है 9, 6 आपका 4 और 4, 8 और 6 बच्चों 14 का 4 कैरी कितना 1,
नाइन और वन टेन और सेवन बच्चों सेवनटीन का सेवन आइए बच्चों तो नाइन और सेवन सिक्सटीन और वन सेवनटीन का सेवन कैरी कितना हो गया वन एट टू टेन टेन और वन बच्चों इलेवन का वन कैरी कितना हो गया वन वन और वन बच्चों कितना हो जाएगा आपका टू यानी ये जीरो पॉइंट टू वन सेवन ये आंसर बच्चों। डेसिमल के क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूँ बच्चों डेसिमल के नीचे डेसिमल मीन्स पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। थर्ड फोर्थ के आपसे बार बार कर रहा हूँ बच्चों ये आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताने कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर बताने बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखते बच्चों क्या आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू सब देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है बहुत ईजी बच्चों तो सब्ट्रैक्ट तो सबको आती है फ्रॉम जब भी आ जाए तो सेकंड नंबर में से हमेशा फर्स्ट माइनस करते हैं। चलिए करते हैं बच्चों हम लोग 17.589 में से आपको कितना माइनस करना बच्चों 6.473 कितना ईजी क्वेश्चन इससे ईजी क्या हो सकता है 9 में से 3 जाएगा 6 8 में से 7 जाएगा 1 5 में से 4 जाएगा 1 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 का 1 बच्चों यह क्या आ गया आंसर आ गया आंसर चेक कर लीजिए अपनी आप लोग बुक में जरा बच्चों। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों आइए जरा इसे देख लेते हैं जरा ये भी क्या बच्चों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल आइए क्या लिखा हुआ 360.05 बच्चों 0.05 कितना लिखा हुआ 17.182 बच्चों यहाँ हम लोग पॉइंट जीरो लगा दिया हमने आइए माइनस करते हैं 10 में से 2 जाएगा बच्चों 8 यहाँ क्या बचेगा 4 आ गया 14 में से 8 जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा यहाँ क्या बचा बच्चों 9 में से 1 जाएगा 8 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना 9 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना होगा 8 यहाँ 9 में से 7 जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 2 यहाँ कितना बच्चों बचा 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ कितना बच्चों 3 का 3 ये आपका क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर कितना 342.868 बच्चों। आइए चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों 0.376 में से फ्रॉम 1 में से माइनस करना कितना 1 में से माइनस करना कितना आपको 0.37 आइए देखिए बच्चों 10 में से 6 जाएगा 4 भाई कैरी लेंगे 10 हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 9 में से 7 जाएगा 2 9 में से 3 जाएगा बच्चों 6 ये तो क्लियर और यहाँ 0 बचा आपका आंसर फोर्थ पार्ट था फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट थर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क है बहुत बच्चों को कमेंट्स भी आए सर होमवर्क भी दीजिए हमें सिर्फ आप एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी समझ में आ जाएगा हम आपको होमवर्क भी दीजिए तो ये आपके लिए होमवर्क है कमेंट्स में आपको क्या बताना बच्चों आंसर बताना ओके लास्ट पार्ट पे आइए बच्चों 1.1 में से आपको माइनस करना है 0.011 आइए 10 में से 1 जाएगा 9 यहाँ 9 बचा 9 में से 1 गया 8 यहाँ क्या बचेगा बच्चों 0 और यहाँ पर 1.89 क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते क्या गया है आइए फर्स्ट पार्ट देखते सिंपलीफाई का क्वेश्चन है सबसे पहले यहाँ ध्यान देना इन दोनों को क्या करना आपको ऐड करना बच्चों आइए ऐड करते हैं सबसे पहले देखते ऐड कैसे करना मैं आपको साइड में भी करके आपको दिखाता रहूँगा 105 में ऐड करना आपको कितना 2.37 बच्चों ठीक है 573142 बच्चों कितना हो जाएगा 6.475 आ गया कितना आ गया 6.475 माइनस कितना करना बच्चों 5.2 आइए 5.2 हम इसमें से माइनस करके आपको दिखा देते हैं 5.2 कैसे माइनस करेंगे देखिए 5 का 5 हो जाएगा 7 का 7 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 तो आंसर कितना है आपका बच्चों 1.275 क्या हो जाएगा आंसर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है आप लोग ऐसे करिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे माइनस वाले ऐड कर लीजिए उसके बाद में हम माइनस प्लस वाले ऐड कर लीजिए पहले आप सब आइए तो क्या है बच्चों 11.001 में 4.965 ऐड कर लीजिए 516 6 का 6 9 का 9 415 1 का 1 कितना आ गया बच्चों 15.966 बच्चों आइए माइनस का साइन अब देखिए ये दोनों माइनस होते हैं माइनस माइनस सब बच्चों को पता क्या होता है प्लस होता है ना तो 6 का 6 लिख दीजिए 5 और 3 कितना होता है 8 लिख दीजिए और 2 का 2 और 5 कितना होता है 7 होता है 7.86 आ गया कितना आ गया 7 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है ना दोनों को ऐड कर दीजिए भाई 6 का 6 7 और 3 ओहो 7 3 10 होता है बच्चों यहाँ 10 का 0 आएगा और 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँ एक बार जरा सब बच्चे देख लेंगे 2.36 में हमको ऐड करना 5.7 6 3 7 3 10 का 0 5 2 7 1 8 8.06 ओके अब क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट करना बच्चों 5.966 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना बच्चों 8.06 आपको 6 का 6 0 का 0 9 का 9 15 में से 8 जाएगा 7.906 क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर चेक कर लीजिए सेकंड पार्ट का। अब इसका बच्चों थर्ड पार्ट बचा है थर्ड लास्ट पार्ट है तो थर्ड पार्ट आपके लिए बच्चों होमवर्क रहेगा
कि आप कोई भी, तो देखिए कमेंट्स में आंसर देना है। मैं फिर एक बार बता दूं, कई बच्चों के कमेंट्स, बहुत से बच्चों के आए हैं कि सर आप एक होमवर्क भी दिया कीजिए, अगर आप फोर पार्ट्स हैं थ्री आप कराइए एक हमें होमवर्क, हमें भी पता चले कि हमें कितना समझ में आया है। और बच्चों मुझे भी बेनिफिट है, मुझे भी ये पता चल पाएगा मेरे बच्चों को जितना मैंने पढ़ाया क्या उतना क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उसका भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक इसका सेकंड पार्ट था, थर्ड आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। ओके, आप लोग कमेंट्स करके बताइए समझ में आया या नहीं आया। आइए चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर फोर को बच्चों पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.9 फ्रॉम द सम ऑफ, चलिए मैं क्वेश्चन को लिख ही देता हूं। नंबर फोर साधारण से समझ लीजिए, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 43.875 एंड 53.9, इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले बच्चों हमें फाइंड करना है फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम, इन दोनों का सम करना है, जो सम आएगा उसमें से इन दोनों के डिफरेंस को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है, हमारा वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आइए हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। आइए क्या है बच्चों, 53.9 में से 43.875, ये जीरो हमने बढ़ा दी बच्चों। आइए 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 8 गया बच्चों 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 जाएगा बच्चों कितना होगा आपका, ये डिफरेंस आ गया। आइए सम देख लेते हैं, अब सम कैसे करना है, ये 29.358 और ये आपका है 2.3023। आइए सम कर लेते हैं, 3 8 और 2 10, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 9 2 11 और 2 और 1 बच्चों 3, यानी क्या आ गया 31.6603 आ गया बच्चों। आइए अब हमको क्या करना है बच्चों, डिफरेंस हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना फ्रॉम, आइए कितना है बच्चों 10.025 फ्रॉम 31.6603। आइए बच्चों देखिए 31.6603 में से 10.025, यहाँ हमने जीरो लगा दिया अपने पास बच्चों। आइए 3, 10 में से 5 जाएगा बच्चों 5, यहाँ कितना बचा 5 में से 2 गया बच्चों 3, 6 का 6 आ जाएगा, 1 का 1 आएगा, 3 में से 1 गया बच्चों कितना 21.635, तो आंसर चेक कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे पहले डिफरेंस, इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करा, हमारा डिफरेंस आ गया। सम इन दोनों का, सम पता है सबको टोटल करना था, उसके बाद फ्रॉम देख लेंगे, जहाँ भी फ्रॉम दिख जाए ये देखिए फ्रॉम, तो हमने फ्रॉम का मतलब इसमें से ये नंबर आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 MCQs की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 6 7 बच्चों, आइए ऐड करना, सबसे पहली बात क्या करना सबको ऐड करना, आइए हम ऐड कर लेते हैं जरा 213, तो आपका पॉइंट से देखो 213 और 2 बच्चों 215, 15 और 2 कितना हो गया 17, यानी 200 कितना हो गया 17 पॉइंट। आइए जरा 217 पॉइंट, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए 0 यहाँ पर 2 है बच्चों, तो कितना आ गया 2 आ गया, देखिए 1 और 1 बच्चों 2, तो 2 ये आ गया आपका, देखिए 3 और 3 6 और 1 7 और लास्ट में फिर ये 3, ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप। यस ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन मैंने कर दिया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों एमसीक्यू का, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, 7 में से 3 आएगा 4 हो जाएगा और 4 में से 3 0 यानी 4 का 4 आएगा 0.44, आंसर चेक कर लीजिए जरा। यस सी फॉर चन्नी इज द राइट आंसर, सी फॉर चन्नी इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते बच्चों, आइए यहाँ देखिए जरा, 7 में से 4 जाएगा बच्चों कितना आएगा 3 आएगा, 15 में से 6 जाएगा बच्चों कितना आएगा 9। ओके आपको ये बताना कौन नंबर बड़ा है, आइए 8 और 1 कितना बच्चों 9, 2 और 9 बच्चों 11 का 1 कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 बच्चों 9, तो 9.19 लिखा हुआ है, 9.3 लिखा हुआ है, सबको पता है बच्चों 9., यहाँ देखें पॉइंट के जस्ट बाद में देखें 3 है यहाँ पर 1 है, आपको सबको पता चल गया 9.3 इज द ग्रेटर देन 9.19, तो ऑप्शन नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं जरा। यस बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर बच्चों, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, हाई ऑर्डर हमारा क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट्स सी द, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, होट क्वेश्चन
फिगर सब बच्चे देख रहे होंगे लिखा क्या है बच्चों क्वेश्चन में, मैं एक बार रीड करता हूँ। तो फिगर ऑफ द वुडन फ्रेम, बच्चे एक वुडन फ्रेम का फिगर है, इज गिवन विद ए पिक्चर इन साइड इफ द विर्थ ऑफ द वुड इवन एवरी वेयर इज 1.2 सेंटीमीटर। इसकी जो विर्थ है बच्चों वुड की, वुड फ्रेम जो है उसकी विर्थ जो है एवरी वेयर इज 1.2 सेंटीमीटर। आप सब देख रहे हो 1.2 1.2 1.2 1.2, टोटल 1.2 हो गए बच्चों ये। फाइंड द लेंथ एंड द विर्थ ऑफ द पिक्चर, आपको क्या बतानी है लेंथ और विर्थ बतानी है, एंड हैंस द पेरीमीटर, और इसका क्या बताना है बच्चों पेरीमीटर बताना है। आइए सबसे पहले हम लेंथ की बात कर लेते हैं बच्चों, ओके। तो सॉल्यूशन में आइए बच्चों, लेंथ ऑफ द पिक्चर, लेंथ ऑफ द पिक्चर, तो लेंथ हम लोग बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, सब बच्चों को ध्यान देनी है। इसकी लेंथ कितनी गिवन है 18.5, विर्थ आइए जरा 1.2 प्लस 1.2, देखिए जितनी ये है उतनी इधर भी होगी 1.2 बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों 18.5, भैया माइनस का साइन लगाना है आप लोगों को, तो कितना होगा 1 और 1 2.4 हो गई बच्चों। आइए जरा कितना आ जाएगा, 18 में से 2 जाएंगे बच्चों 16, और 5 में से 4 गया बच्चों 1, 16.1 आ गई सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। आंसर आप सब अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इसकी विड्थ कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए बच्चों, विड्थ कैसे फाइंड करेंगे वो भी आइए देख लेते हैं बच्चों। विड्थ ऑफ द पिक्चर, ठीक ओके। तो हमें जो गिवन है बच्चों विर्थ की बात करूं 12.8 गिवन है, कितनी बच्चों 12.8 गिवन है, यहां सब बच्चे ध्यान देंगे, माइनस कर देंगे 1.2 प्लस 1.2 बच्चों। आइए जरा तो 12.8 बच्चों माइनस कर दीजिए 2.4 कर देंगे, 12 में से 2 जाएगा 10.4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई बच्चों विर्थ आ गई, और ये आपकी लेंथ थी। अब हमसे जो पूछा गया इसका पेरीमीटर और बताना था, क्या बताना है बच्चों इसका पेरीमीटर ऑफ पिक्चर, पेरीमीटर ऑफ पिक्चर, पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर इक्वल्स टू पेरीमीटर, सबको पता है बच्चों रेक्टेंगल का 2l प्लस भी होता है 2, l की वैल्यू आपकी 16.1, ये आपकी हो जाएगी 10.4 बच्चों। आइए जरा यहाँ देख लेते हैं 2, आइए जरा 4 और 1 कितना बच्चों 5 हो जाएगा, और 16 और 10 बच्चों कितना होता है आपका 16 और 10 हो गया बच्चा आपका 26, 2 5 जा 10 कितना 10, 2 6 जा 12 का 2 कैरी कितना हो गया बच्चों, अच्छा कैरी 1 था तो 2 6 जा 12 13, और 2 2 जा 4 1 5 यानी 53 आ गया बच्चों, 53 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आपका क्या आ गया बच्चों पेरीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो बच्चों। तो घर में रहें सुरक्षित रहें, फेस मास्क का यूज करें, कोविड-19 अपनी चरम सीमा पर अपने पीक पर है। तो तिवारी क्लास से यही आशा करता है आप सबसे, आप घर में आपके घर में सब कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज 3B की बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।